एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में आपके लिए मैं करंट फीलिंग्स लेकर आती हूँ, ताकि आपको दिन भर का नॉलेज रहे, क्या उनके लाइफ में चल रहा है, क्या आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर्स। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन, जिनके भी पार्टनर्स के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में पड़ता है, आप लोगों को पाइल चूज़ करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स या डेट ऑफ बर्थ की ही पाइल रखती हूँ। लेकिन कल अनएक्सपेक्टेड में मैंने दो अलग पाइल्स रखी और काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम अलग पाइल्स मत रखा करिए, हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स की पाइल्स या फिर डेट ऑफ बर्थ की पाइल या मंथ की पाइल, ताकि आपको ईजी रहे। सो यहाँ पर पाइल नंबर वन है ए से एम, और पाइल नंबर टू है एन से जेड। अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है, तो आपके लिए है पाइल नंबर टू। सो टू को मैं अभी साइड में रख रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, और पाइल नंबर वन को मैं इधर रख रही हूँ ताकि आपको दिखे। सो गाइडेंस लेते हैं। आज मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया है, मैंने सोचा कि मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ और फिर एक एक करके आपको बताऊँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर वन के पार्टनर्स क्या कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, क्या कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, करंट एनर्जी। ओके, पाइल नंबर वन के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। ओके, पाइल नंबर वन के लिए क्या गाइडेंस है उनके बॉन्ड के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, किन बातों का ध्यान रखना है उन्हें। ओके, फाइन। सो यहाँ पे जो मेजर डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, द टावर, जस्टिस एंड द हर्मिट। द टावर का कार्ड हमें बता रहा है कि वो कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी तरह का ब्रेक थ्रू उनके लाइफ में या तो आने वाला है या आ चुका है, कुछ एंड करना चाहते हैं जो कि लीगल सिचुएशन से रिलेटेड है। देखिए, हमारे पास जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे लीगल मैटर कुछ है, या तो वो लीगली किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो लीगली किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है, द हर्मिट का कार्ड है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है इनकी, हील कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन इनके कंधों पर है, इन बर्डन से फ्री होना चाहते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करंट एनर्जी में आया है। पाइल नंबर वन, हो सकता है बहुत टाइम से आपके साथ बातचीत बंद हो इनकी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने हील किया है और अब जस्टिस का कार्ड है, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। बाकी हम करंट एनर्जी में चेक करते हैं। गाइडेंस में हमारे पास आया है कंपैशन एंड विलिंगनेस। You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Definitely एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा compassion हैं आप दोनों में, साथ ही साथ आप लोग love को equally share करें ताकि आपका bond मजबूत बने। And willingness का card आया है आज के लिए, आपके bond के लिए, that is you are able to compromise if the end result is love. अगर end result love है तो
तो आप उनके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। किसी के लिए ये गाइडेंस ज़रूरी हो सकता है। मोनोलॉजी से हमारे पास है 4 कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए। पहला कार्ड है हमारे पास, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ध्यान से आंखें बंद करके सोचिए कि आप कैसी, ऐसी कौन सी चीज़ आप याद करते हैं जिससे नेगेटिविटी आपके मन में आ रही है, शक आ रहा है, डाउट आ रहा है। उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर पास्ट में कोई हर्ट है, कोई दर्द है, उन्हें रिलीज़ करिए, खुद को हील करिए, अपने चक्रास को हील करिए। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, डेफिनेटली मैंने अभी कहा टावर का कार्ड आया है, कुछ एंड होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना रहा हो, आपके रिलेशनशिप में आपने ज़्यादातर दिया है, आपके पार्टनर ने लिया है, अब उनके देने की बारी आ रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने पहले ही कहा हील करिए खुद को। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी दर्द समेट रखा है अपने अंदर, खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आइए, करेज लेकर आइए, ताकि आप किसी भी तरह के डर को फेस कर सकें। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। करेज रखिए, फेथ रखिए, फियर से बाहर निकलिए। डाउट, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग डाउट क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, आप सारे जवाब जानना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, डेफिनेटली समय आने पे आपको सारे जवाब मिलेंगे। डाउट्स, नेगेटिविटीज़, ये सब अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, देखते हैं करंट एनर्जी, चेक करते हैं क्यों टावर का कार्ड आया भाई मेजर डिसीजन में। कहाँ एंडिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिनका भी नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, उनकी करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, ओके, करंट एनर्जी। डेफिनेटली थर्ड पार्टी अगर कोई है उसके साथ एंडिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मैंने पॉजिटिव कार्ड्स की बात की और यहाँ पे आ गया एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड पाइल नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर काफ़ी टाइम से आप इनका वेट कर रहे हैं, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। जो कार्ड्स आए हैं मैं अरेंज कर दूं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ कपल आया हमारे पास। सिक्स ऑफ वैंड्स, द चैरियट, टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में हैं इस टाइम आपके पार्टनर, बहुत ही ग्राउंडेड। अगर ये आपसे दूर हैं तो इस समय पूरी तरह से सिंगल एनर्जी है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। काफ़ी रिच हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी हो सकती है। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, पूरी तरह से इस समय स्टेबल एनर्जी में हैं, एक फुल एंड फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी होती है,
कमिटमेंट देंगे तो निभाएंगे, अदरवाइज़ टाइम पास नहीं करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बॉटम की एनर्जी बता रही है। यहाँ से हमारे पास आया है किंग एंड क्वीन। डेफिनेटली ये आपकी तरफ इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, म्यूचुअल लव है आप दोनों का, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जैसा कि हमने मेजर अरकाना में ही देख लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्योंकि यहाँ दो ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। दो ऑप्शंस हैं, एक तरफ आप हैं जिन्हें इन्होंने पकड़ा हुआ है, और ये पीछे एक और वैंड है जिसमें कन्फ्यूजन है। अब ये वैंड फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कास्ट इशू रिलीजियस फैक्टर की वजह से हो सकता है पेरेंट्स ना मान रहे हों, या ट्रेडिशंस हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मॉम हो सकती है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है आप भी किसी और से मैरिड हो, ये भी किसी और से मैरिड हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्द। कोई बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं, अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू लाने वाले हैं। बड़ा डिसीजन मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ आया है द चैरियट। डेफिनेटली एक मेजर ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आ सकता है, काफ़ी लोगों के पार्टनर के लाइफ में। अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत मेहनत किया है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, एक ब्रूटल पास्ट देखा है। हो सकता है कि इनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स हों जो कि ये भूलना चाहते हैं और अपने लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत जल्द। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं एंजल ऑफ बैलेंस। टू मोर कार्ड्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वन मोर कार्ड, वन कार्ड, द थिंकिंग मैन, जर्नी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जानते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही टफ़ जर्नी जिसमें बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं जिसमें आप हर्ट हुए हैं, रोए हैं, स्लीपलेस नाइट्स हुई हैं। एक सोल जर्नी हो सकती है, एक बहुत ही ब्रूटल पास्ट आप में से काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी कुछ झेला है आपने इस लाइफ में और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं इस जर्नी में ऊपर की तरफ, और ग्रो हो रहे हैं स्पिरिचुअली। काफ़ी बैलेंस्ड हुए हैं आप पहले से। पहले आप छोटी छोटी बातों से टेंशन लेने लगते थे, आप उतने ग्रोन नहीं थे, छोटी छोटी बातों से आप हर्ट हो जाते थे, छोटी छोटी बातें आपको रिएक्ट कर जाती थी। बट अब आप, हमारे व्यूअर्स बहुत मैच्योर हुए हैं स्पिरिचुअली, उन्हें पता है कि जो चीज़ आपकी है वो आपकी है, कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यही बता रहा है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके साथ ही उनके लाइफ में ब्लॉसम है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, पीसफुलनेस है। आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मैच्योर हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, एज गैप हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर यंगर हो सकते हैं, आप मैच्योर हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही रिच हैं, बहुत रॉयल लाइफ जीते हैं, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, इमेज हो सकती है उनकी समाज में, सोसाइटी में। कुछ लोगों के पार्टनर के पेरेंट्स की इमेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, एक मुकाम पाना चाहते हैं और बहुत जल्द पाएंगे। यहाँ पे द थिंकिंग मैन का कार्ड बता रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर्स की तरफ से, कहाँ टावर मोमेंट लाना चाहते हैं भाई। पाइल नंबर वन, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन। वाओ,
मैंने आपसे कहा ना, टावर मोमेंट डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में, आपके और इनके बीच में जो आ रहा है उसके लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है इनके तरफ से, यही कंफर्म करना था मुझे। टावर मोमेंट किसके साथ आने वाला है देख लीजिए, थर्ड पार्टी, चाहे जो भी हो थर्ड पार्टी में, पावर में है बिल्कुल। आई नीड थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स, थ्री मोर कार्ड्स, नेक्स्ट एक्शन, ACM, नेक्स्ट एक्शन, वन मोर कार्ड, और कोई कार्ड आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, टेलीपैथी यूज़ कर रहे हैं, कोई तो विश है आप लोगों की और वो विश आपकी पूरी होने वाली है, काफ़ी लोगों की। यहाँ पे हमारे पास आ गया थर्ड पार्टी, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। यहाँ पे थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनकी वाइफ या इनके लाइफ में इनके हस्बैंड हो सकते हैं आपके पार्टनर के। यहाँ पे वो एंड करना चाहते हैं बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑब्स्टिकल्स के बाद, अब इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग का, डिसीजन लेना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो बीच में आ रहा है, चाहे उनकी मॉम, चाहे आपकी मॉम, चाहे उनके डैड, चाहे आपके डैड, चाहे कोई भी फादर फिगर, मदर फिगर या कोई और पर्सन, वहाँ पे एंडिंग होगी। मैंने क्लैरिफाई किया है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वहाँ से एंडिंग होगी, ठीक है। स्टैंड लेंगे आपके लिए, बिल्कुल खुश नहीं है, सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे विद इन 7 hours 7 days ACM कुछ हो सकता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जो टाइम बताती हूँ और आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कमेंट्स में कि मैम कॉल आ गया, मैम मैसेज आ गया, मैम रियूनियन हो गया, तो सच बताती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन साथ ही साथ मैं बाकी लोगों के लिए प्रे भी करती हूँ जिनके नाम मुझे मिलते हैं, मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं सबके नाम नोट करती हूँ बैठ के, रात को 1-1 बजे भी मैं कई बार नाम नोट करती हूँ ताकि नेक्स्ट डे मैं एटलीस्ट प्रे करूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एंजल्स ने हमें बहुत ही खूबसूरत कार्ड दिया है, खुद ही देख लीजिए, नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लास्ट में कुछ मैसेजेस लेंगे और फिर रीडिंग को एंड करेंगे। ब्लेस्ड, काफ़ी ब्लेस्ड हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, हो सकता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ऑलरेडी हैं, बचपन से हैं, काफ़ी लोग हो सकते हैं। ड्रीम, आप में से कई लोगों को हो सकता है ड्रीम्स आ रहे हों किसी तरीके के, किसी तरह की साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ या ड्रीम्स, ड्रीम्स में आपको कोई मैसेज दे रहे हैं एंजल्स, अपनी ड्रीम्स को याद रखना रखने की कोशिश किया करिए, भूला ना करिए, वो गाइडेंस देते हैं ड्रीम्स में आपको। ओके, दो मैसेज आए हैं, पहला है जुलाई, दूसरा है नेवर बैग फॉर लव, लव के लिए कभी बैग मत करिए। एक लास्ट मैसेज लूँगी, अगेन 6996 हो सकता है, बहुत लोगों को दिख रहा है, 2-3 दिन से ये मैसेज बार बार आ रहा है, 6996 ये नंबर, एंजल नंबर। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके,
और मेरे चैनल पे अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पायल नंबर टू, जिन भी व्यूवर्स ने पायल नंबर टू एन से जेड का पायल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एन से जेड के बीच में पड़ता है तो आपके लिए है पायल नंबर टू। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखाई देगा। ओके, तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आज मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और उसके बाद मैं फटाफट से आपको बताऊँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैं जानती हूँ मेरे व्यूअर्स का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर टू एन से जेड, करंट एनर्जी, क्या कोई बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं पाइल नंबर टू के पार्टनर्स? क्या कोई बड़ा डिसीजन है मदर से रिलेटेड? कोई बात छुपा रहे हैं? द मून का कार्ड क्यों आया एंजल्स? क्यों आया द मून का कार्ड? द डेविल, कोई तो डेविल है आपकी रिलेशनशिप में, किसी की बुरी नज़र है आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। द मून का कार्ड आया है विद डेविल। या तो आपके पर्सन खुद काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, हर्ट करते हैं आपको, आपका दिल दुखाते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है किसी तरह का, किसी तरह की बुरी लत हो सकती है, आपसे हाइड करते हैं, इस वजह से काफ़ी लोगों का झगड़ा हो सकता है, रिसेंटली हुआ हो। दूसरी सिचुएशन है यहाँ पे, करंट सिचुएशन में मेजर का अरकाना से आया है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, चाहे आप सेपरेटेड हैं, कोई है आपके रिलेशनशिप में जो कि एक डेविल की तरह है, जो बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपके रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड की लाइफ में या आपकी वाइफ की लाइफ में, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। क्या कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस डेविल से रिलेटेड? बैलेंस, ओके, बॉटम से है डेथ। एंड करना चाहते हैं इस डेविल एनर्जी को, चाहे ये खुद डेविल एनर्जी में रहे हों, अगर इनकी कोई बुरी आदतें थी जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो ये खुद को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस आदतों से बाहर आएंगे, अपनी उन आदतों का खात्मा करेंगे, एंड करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो उसके साथ एंडिंग होने वाली है। पाइल नंबर टू मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप, उनके बॉन्ड के लिए कोई दो कार्ड्स दीजिए एंजल्स, जिन कार्ड्स की उन्हें ज़रूरत हो। ओके, मुझे एक स्टैंड लेना है, मेरे कार्ड्स ऐसे टेबल पे रखती हूँ मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, वन टू, मोनोलॉजी से आई नीड टू कार्ड्स। ओके फाइन, पाइल नंबर टू आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड के लिए किन बातों का ध्यान रखना है आपको? पेशेंस, पेशेंस रखिए। यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने रिदम से करती है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, डेफिनेटली किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके
पार्टनर के लाइफ में, आपके डीएम डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में। यहाँ पे पेशेंस आपको रखना है। आप जितना पेशेंस रखेंगे, जितना खुद को हील करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देन हमारे पास है ट्रस्ट। यू हैव अ स्ट्रांग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। ट्रस्ट रखिए इस रिलेशनशिप पे, इस स्ट्रांग कनेक्शन पे, अपनी सोल पर, ठीक है। फिर हमारे पास है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हुई हो या आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई हो, लेकिन अब उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है, क्या मिस्टेक की है अपने लाइफ में, किसको हर्ट किया है। यहाँ पे डेफिनेटली किसी को एहसास होने वाला है। जजमेंट, डेफिनेटली डेविल का कार्ड आया है मेजर अरकाना में विद डेथ। कुछ तो बड़ा जजमेंट आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। कोई तो चैलेंजेस, कोई तो पाथ में प्रॉब्लम्स या कोई बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर की लाइफ में वो लेने वाले हैं, कहीं से एंडिंग करने वाले हैं। अगर खुद डेविल एनर्जी थे तो वो खुद को बदलेंगे। अगर कोई और उनके लाइफ में और आपके बीच में घुसा हुआ है तो वहाँ एंडिंग करेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे इसी पार्टनर के साथ, चाहे आपका कोई पास्ट, उसे पीछे मत घसीटने दीजिए अपने आप को। आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। अ पर्सनल इशू रिचेज रिजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर। डेफिनेटली अगर आप दोनों के लाइफ में कोई पर्सनल इशू है तो वो रिजॉल्व होने वाला है बहुत जल्द। देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर टू के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या ख़त्म करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। वाओ, एक्शन लेना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। ब्यूटीफुल करंट एनर्जी एन से जेड। करंट एनर्जी एन से जेड। आई नीड थ्री मोर कार्ड्स। करंट एनर्जी एन से जेड। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स और यहाँ से हमारे पास है टेन ऑफ कप्स। कोई विश पूरी होने वाली है आपके पार्टनर की। म्यूचुअल एनर्जी है बॉटम की, आप दोनों की कोई विश पूरी होने वाली है। जो कार्ड्स आए हैं अरेंज कर दूं। द मून यहाँ भी आया है, मेजर अरकाना से भी आया था। मेजर अरकाना से डेविल आया था, यहाँ से द हाई प्रिस्टेस आई हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ, एन से जेड। काफ़ी लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। यहाँ पे एंडिंग हो सकती है। कोई उनके लाइफ में अगर है, उसके साथ उनकी फाइट हो रही है बहुत ज़्यादा, अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, मदर इशू है या फादर इशू है, कोई है उनके लाइफ में जो कि आपके और इनके बीच में आ रहा है, तो वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। सन का कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं आपकी तरफ।
बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपके लाइफ में, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ के लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, आप बेटर जानते होंगे, या फिर मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो आपकी मदर या तो उनकी मदर, या तो आपकी सिस्टर या तो उनकी सिस्टर, कोई फीमेल है, कोई पर्सन है डेफिनेटली जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप स्टैंड लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग अटैच्ड हैं, इमोशंस अटैच्ड हैं, फीलिंग्स अटैच्ड हैं, मिस कर रहे हैं आप उनको, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ जो टाइम स्पेंड करा या जो चैट्स हैं वो सब याद कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। आप में से कुछ लोगों के हो सकता है बच्चे हों, मिलने आ सकते हैं आपसे, राइट? होप रखिए एंड बी पॉजिटिव, आपकी विश पूरी हो सकती है बहुत जल्द। करंट एनर्जी पाइल नंबर टू, देखते हैं आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर टू के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आई नीड थ्री कार्ड्स। ओके ओके, बॉटम की एनर्जी है जर्नी, आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम से आपको उन्होंने हर्ट किया है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी दो सिचुएशन में स्टक थे ये, आपको चुनूं या किसी और को चुनूं, लेकिन इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, मैजिशियन एंड द मिरर, आपने भी मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, उनका इंट्यूशन उनको गाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर आया है डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके रिलेशनशिप में आपके लिए वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली अब वो एक डिसीजन पे आने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इस जर्नी में, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्या डिसीजन लेंगे पाइल नंबर टू के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन? पाइल नंबर टू के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, सेक्रीफाइस करेंगे किसी को। ओके, अभी हो सकता है नो कांटेक्ट में हूँ आपसे, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, डेफिनेटली किसी को सेक्रीफाइस करेंगे ये। किसको करेंगे? थर्ड पार्टी। ओके, जिससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आई नीड वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ऑप्शंस, न्यू बिगनिंग। ओके, फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर टू के लिए। फोर आवर्स फोर डेज, फोर आवर्स फोर डेज। यहाँ पे आपको किसी तरह की क्लैरिटी मिल सकती है फोर आवर फोर डेज के अंदर, बहुत ही ज़्यादा होगा तो फोर वीक्स, लेकिन फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड पार्टी जो भी है इनके लाइफ में, ये सेक्रीफाइस करेंगे। हो सकता है अभी तक आपसे नो कांटेक्ट में हो, आपसे कुछ शेयर ना कर रहे हों, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं, प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ वर्क है, एक तरफ कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये ठान चुके हैं कि इन्हें न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। लव बिगिंस का कार्ड आया है, चाहे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो भी झगड़े हों इनके लाइफ में, ये आपके साथ ही विश फुलफिलमेंट मानते हैं। सो जो भी थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ पे वो उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनसे फ़ाइट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकें बहुत जल्द।
प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। चूज़ वाइजली का कार्ड है, इन्हें चूज़ करना ही पड़ेगा अब एक को, राइट। फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर टू के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली इन द नियर फ्यूचर, टेक एक्शन, पीसफुल रिजोल्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन की सुनिए, इन द नियर फ्यूचर आपकी तरफ एक्शन होने वाला है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी वो सॉल्व हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। अगर आप सिंगल हैं या सेपरेटेड हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन हो सकता है। देखते हैं कुछ लव मैसेजेस और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। रिकंसिलिएशन, रियूनियन हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का। सिंक्रोनिसिटीज, किसी तरह के नंबर्स साइंस आपको दिख सकते हैं। 12 12, हो सकता है कुछ लोगों को 12 12 या 12 21, 10 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 11 11। कम्युनिकेशन इज़ द की, जब आपकी बातचीत होगी आपके पार्टनर से तो बहुत ध्यान से कम्युनिकेट करिएगा। एडिक्शन, हमारे पास डेविल का कार्ड आया था मेजर अरकाना से, हो सकता है कि किसी तरह का एडिक्शन रहा हो पास्ट में आपके पार्टनर को, लेकिन अब काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। सो, ये थी पाइल नंबर टू के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे रीडिंग्स अगर आपको पॉजिटिव गाइडेंस देती हों, आपको सतर्क करती हों क्या चल रहा है, आपको हेल्प मिलती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो में लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।